अगर आज का इस जेवर को आप फेस्टिवल के टाइम बना लेते हैं तो आपका बहुत सारा वक्त बचने वाला है और इसको आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से सजा सकते हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग आइडियाज रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। वेलकम बैक टू मॉइट्रेस क्राफ्टी कैसल। तो चलिए फटाफट से डीआईवाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं वेस्ट मटेरियल का ही यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड्स ले लिए हैं। यहाँ पे एक टेम्पलेट मैंने बना लिया था और उसी के हिसाब से मैंने 6 पीसेस कट करके निकाल लिया है और कार्डबोर्ड के एजेस को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर का यूज किया है। इसके जगह में मास्किंग टेप का भी यूज किया जा सकता है। और पेपर से चारों तरफ कवर कर लेने के बाद इसके ऊपर मैंने एक टी लाइट कैंडल होल्डर को प्लेस किया है और इससे एक मार्किंग मैंने यहाँ पे कर लिया है। और अभी इसके ऊपर जो मैं लगाने वाली हूँ वो एक दूसरे क्राफ्ट से बचा हुआ सामान है। मैं कुछ दिन पहले कुछ क्राफ्ट बनाई थी जिसमें मैंने टिश्यू पेपर से इस टाइप से कुछ स्ट्रॉ जैसा बना लिया था, उसी को मैंने यूज किया था। तो बहुत सारे कट पीसेस रह गए थे तो मैंने सोचा इसको क्यों फेंका जाए, तो इसी को मैं यूज कर लूंगी यहाँ पे। अगर आप इस DIY को रिक्रिएट करना चाहते हैं तो इसके जगह में आप क्ले का भी यूज कर सकते हैं। और सूखने के बाद इसके ऊपर भी मैं पेपर का एक लेयर लगा रही हूँ तो इससे जो जॉइंट वगैरह है वो छुप जाएगा। और अभी ये बेस हो गया है रेडी और ये प्रोसेस मैंने सभी 6 पीसेस में कर लिया है। मेरे पास अभी भी और थोड़ा सा स्ट्रॉ बचा हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी यूज करके खत्म कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इजी DIY है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे बना रही हूँ। और अभी मैं इसके साइड्स में थोड़ा सा गोल्डन एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दे रही हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। और गोल्डन कलर कर देने के बाद ये मुझे अभी से इतना प्यारा लग रहा है। वैसे खुद का DIY तो सबको अच्छा ही लगता है। वैसे यहाँ पे तो बहुत सारे काम बाकी है अभी, एंड में आप लोग मुझे बताना इसका लुक आपको कैसा लगा है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ पिस्ता शेल्स। ये लास्ट ईयर दिवाली के टाइम मैंने कलर करके रखा था, इसको मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए यूज किया था तो उसी में से जो रेड कलर का था उसको मैं यहाँ पे यूज कर ले रही हूँ। फेविकॉल ग्लू की मदद से मैंने इसको चिपका लिया है चारों तरफ। और अभी आता है इस DIY का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ टिश्यू पेपर्स को ले लिया है, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 2-3 मिनट के लिए। और 2-3 मिनट के लिए इसको भिगोने के बाद ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। अभी इसको अच्छे से निचोड़ लेना है पानी से और अभी इसके साथ में मिक्स करूंगी थोड़ा सा फेविकॉल ग्लू और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे येलो एक्रेलिक कलर को मिक्स किया है और अच्छे से अभी इसको मिक्स कर लेना है। और जो बेस मैंने बना के रखा था उसमें ग्लू के साथ इसको चिपकाती जाऊंगी। तो इस टाइप से कलर ऐड करने से इसमें एक बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट होता है और ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे फ्लावर का पेटल्स यहाँ पे रखा गया है। और सेम तरीके से और एक कलर को बना के मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। और रुकिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें मैं और एक एलिमेंट ऐड करने वाली हूँ जिससे ये DIY मल्टीपर्पज बनने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे मेटल वायर से कुछ यू पिन जैसा बना लिया है और अभी जो यहाँ पे मैंने ये मैट बनाया है उसके पीछे इस टाइप से 2 हुक्स को मैं फिक्स कर लूंगी ग्लू के मदद से। और फिर उसके ऊपर मैंने एक पेपर को भी लगा दिया था, वो क्लिप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पुराने CD को ले रही हूँ, इसके जगह में एक कार्डबोर्ड को भी राउंड शेप में कट करके यूज किया जा सकता है और सेम प्रोसेस को CD के ऊपर भी मैं रिपीट करूंगी। और इस DIY का प्रोसेस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा अभी से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। मुझे पता है ये बार बार बोल के मैं आप लोगों को बोर कर देती हूँ लेकिन नहीं बोलने से आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। तो पहले मैंने इस CD का बीच वाले पोर्शन को व्हाइट कलर से पेंट किया था लेकिन बाद में मैंने इसको गोल्डन कर दिया है और इसके पीछे भी मैंने 2 हुक को लगा लिया है। अभी देख लेते हैं इसको सजाने का मल्टीपल तरीका। सबसे पहले तो ये जो पेटल शेप का मैंने बनाया है उसको किसी भी गार्लैंड के टिप में लगाया जा सकता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 हुक लगा के भी रखा हुआ है। और इसको कार्टन की रॉड में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा फेस्टिवल के टाइम। और सेकेंडली टी लाइट कैंडल होल्डर मैट के जैसे तो यूज कर ही सकते हैं इसको।
और अलग अलग अरेंजमेंट में इसको रख के वॉल में भी एज ए वॉल डेकोर यूज कर सकते हैं। और नीचे का जो हुक लगाया हुआ है उसमें भी कुछ डेकोरेटिव आइटम को हैंग किया जा सकता है। मैंने नेट में कुछ ऑर्डर किया था लेकिन मुझे वीडियो बनाने तक डिलीवर नहीं हुआ है वो सामान, इसीलिए मैं लगा के आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और फाइनली इसको यूज कर सकते हैं एज ए रंगोली मैट। इससे आपका बहुत टाइम भी बच जाता है और कहीं पर भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है। फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी फटाफट से और एक डीआईवाई को बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक झरोखा वाला शेप कट कर लिया है पेपर में और इसी को टेम्पलेट बना के मैं कुछ कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लूंगी। तो आज के इन दोनों DIY को ध्यान में रख के मैंने नेट में कुछ ऑर्डर किया था लेकिन वो टाइमली डिलीवर हुआ नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा और जुगाड़ करना पड़ा है। लेकिन सच मानिए तो घर में जो सामान हम लोग का पड़ा हुआ होता है ना, उसी को थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत ही इजीली बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बहुत बढ़िया डेकोर आइटम बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन DIY करने का यही तो एडवांटेज है ना। तो अभी इस झरोखे की जो बॉर्डर है उसमें भी मैंने फिर से पेपर को ही लगा लिया है जैसे मैंने पहले DIY में लगाया था, क्योंकि मेरे पास ये बचा हुआ था और मुझे ये आज खत्म करके ही छोड़ना था। और इस टाइप से क्राफ्ट बनाने के बाद जो छोटे मोटे चीज़ें बच जाते हैं ना, वो मेरे से फेंका नहीं जाता है। वैसे फेंकना भी क्यों, क्योंकि उसी से बहुत प्यारा सामान आप बना सकते हैं। मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने इस टाइप का एक दो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अभी जो यहाँ पे मैंने झरोखा वाला फ्रेम बनाया है उसका भी फिनिशिंग को थोड़ा सा नीट कर देंगे पेपर वगैरह लगा के, और जब पेपर अच्छे से सूख जाएगा तब इसके ऊपर मैंने एक कोट चॉक पेन का किया है। व्हाइट एक्रेलिक पेन का भी यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो इसके ऊपर जब हम कलर करेंगे तो कलर अच्छे से खिल के आएगा नहीं अगर बेस में व्हाइट कलर नहीं होगा तो। तो ये व्हाइट कलर अच्छे से सूख जाने के बाद इन तीनों झरोखे को मैंने तीन अलग अलग कलर से पेंट कर लिया है। यहाँ पे मैंने सभी एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ किया है। यहाँ पे बैक साइड में भी पेंट अच्छे से लगा देना है। क्यों, ये आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इस झरोखे को भी मैं मल्टीपल तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। 3D कोन आउटलाइनर से यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर दिया है। और इसके बॉर्डर को हाईलाइट करने के लिए मैंने हल्का हल्का गोल्डन एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है, और इसके पीछे भी मैंने एक हुक को अटैच कर लिया क्ले के साथ। अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें और थोड़ा सा काम बाकी है। तो मैंने फिर से यहाँ पे पिस्ता शेल का पिटारा ले लिया है और उसी से मैं येलो कलर का पिस्ता यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पिस्ता शेल्स में ऑलरेडी पेंट किया हुआ था तो मेरा थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बच गया है। और अभी एक ब्लैक कलर का थ्रेड को दोनों पिस्ता शेल्स के बीच में फिक्स करूँगी और यहाँ पे कुछ गोल्डन कलर के बीज को भी लगा लेना है। तो इस टाइप से मैंने कुछ बना के तैयार कर लिया है। अभी इनको लटकन के जैसे झरोखे के पीछे ग्लू के साथ फिक्स कर लेंगे। और फाइनली ये जो फ्लावर जैसा मैंने बनाया है उसके ऊपर थोड़ा सा कट मिरर को लगा लिया है, और पीछे के ब्लैक कलर के थ्रेड के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया, नहीं तो वो ब्लैक कलर का थ्रेड अच्छा नहीं दिखेगा। और अभी देखते हैं इसका यूज़। सबसे पहले तो इसको आप वॉल में एज ए वॉल डेकोर हैंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है इस टाइप के जो गजरा वाला फ्लावर आता है उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, तो इसको भी एज ए हैंगिंग आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट ऑफ टूडेज वीडियो। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, DIYs बनाते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।